और सीधे लिए चलते आपको शिमला, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपना संबोधन देते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर में भी जो आयुष्मान भारत के रेट्स है उसके रेट्स पर हमने सुनिश्चित किया था कि हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के अंतर्गत भी हम लोगों को मदद करने की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने इस योजना को भी हमने शुरू किया। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही दौर चला है, जो चले हुए काम, चली हुई योजनाएं उनको बंद करना, और इसके अलावा जहां भी कोई जगह ऐसी मिलती है टैक्स लगाने के लिए उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आज ये स्थिति बन गई कि एकमात्र हवा बच गई टैक्स के बिना, अन्यथा हवा के अलावा सारी चीजों पर टैक्स लग गया। और ऐसे में आपने इस चीज को भी देखा होगा कि जो टॉयलेट पर जो टैक्स की बात हुई है, अब उस बैकडेट से चिट्ठी निकाल दी 21 सितंबर की चिट्ठी निकाल दी, जिसमें क्लैरिफाई कर दिया और कि भी नहीं लेंगे, निरस्त कर दिया, रोक दिया गया। लेकिन आखिरकार ये हकीकत है, हिमाचल प्रदेश में जो है आपने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगा करके एक गरीब आदमी को भी जो है वो 25 रुपए महीने का, अगर एक टॉयलेट है किसी घर में चार है तो 100 रुपए उसका जो है उसको पैसा वसूल किया जाएगा। आप ये टैक्स लगाए जा रहे हैं बिना सोचे समझे लगाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में स्वच्छता का अभियान चल रहा है और स्वच्छता के अभियान में जो हम गवर्नमेंट की ओर से, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो टॉयलेट दिए जा रहे हैं, अब आप क्या संदेश देने जा रहे हैं कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगा करके इस प्रकार से लोगों के ऊपर वसूली की जाएगी। पूरे देश में जगहंसाई इस तरह से हुई है। मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वर्तमान, हर दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर हास्यास्पद बनी है। ये कैसी सरकार है, और ये सरकार कभी सोच समझ करके फैसले कब लेती है? जैसे जैसे वक्त बीतता है सत्ता में आने के साथ साथ में, तो मेरा मानना है कि अनुभव आदमी के पास बढ़ता जाता है और अनुभव के आधार पर फैसले जो होते हैं वो मैच्योर फैसले होते हैं, स्थायी फैसले होते हैं, प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी फैसले होते हैं। लेकिन हमें इस बात को लेकर के हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक भी अपरिपक्वता का परिचय हर एक फैसले में आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के मुझे अपनी ओर से प्रमुख रूप से इसी विषय पर बात करनी थी, तो मैंने आप सबके सामने बात कही। बाकी टैक्सेस के बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत लंबा है। सीमेंट पर टैक्स लग गया, पानी पर टैक्स लग गया, बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी लेकिन उसके बावजूद 125 यूनिट भी बहुत बड़े सेक्शन से विड्रॉ कर दिया, और उसके साथ सीमेंट का तो हैरानी की बात है कि 120 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से 2 साल के कार्यकाल में इंक्रीज हुई है। ये बहुत बड़ी इंक्रीज हुई है। घर बनाने के लिए जो नक्शे बनाए जाते हैं उसमें 5 गुना इंक्रीज की गई है। राजस्व की जो जुड़ी सेवाएं जो हैं उसमें 4 गुना से पहले 4% लगता था, उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया, ये भी आपने देखा होगा। और स्टाम्प ड्यूटी जो है वो उसको भी 10% इंक्रीज किया गया, 10 गुना उसको भी बढ़ा दिया गया। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि तुगलकी फरमान हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से हो रहे हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरह से पिसी जा रही है। हाँ, खेल और खिलाड़ियों का, वो भी टॉयलेट टैक्स के साथ साथ खेल और खिलाड़ियों पर, उस पर भी जो है जो वहां पर क्वालिफाई होने के लिए जो टेस्ट देते हैं उस पर भी जो है वो ग्राउंड के लिए जो है उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, ग्राउंड टेस्ट के लिए उसके लिए भी जो है उनके लिए टैक्सिंग हो गई। ये भी एक नई एडिशन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुई है। और मैं समझता हूँ आज हिमाचल प्रदेश में रोजगार बंद है, कर्मचारी चयन आयोग बंद कर दिया गया था,
दो साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद अभी तक उसको फंक्शनल नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय यह बना है कि बहुत बड़े स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, विधायकों के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जो है हिमाचल प्रदेश में संरक्षित होकर के बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सर, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 2018 में जो पूर्व की सरकार थी उन्होंने टॉयलेट एक्ट लगाया। देखिए, वो नोटिफिकेशन निकाले, हमारी सरकार ने कोई भी टॉयलेट टैक्स नहीं निकाला लगाया था। हमारी टैक्स, हमारी गवर्नमेंट के दौरान सिर्फ इतना ही हुआ था, शिमला कॉरपोरेशन के सिलसिले में एक फैसला ये लिया था जो वाटर चार्जेस की इंक्रीज करने के लिए, अगर कॉरपोरेशन उसको पारित करे तो 10% जो है वो इंक्रीज करने के लिए उस पर प्रावधान रखा था। लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई फैसला ऐसा नहीं था कि भी उसमें गवर्नमेंट तय करेगी, लेकिन वो कॉरपोरेशन के उस पर छोड़ा था। लेकिन इसके अलावा तो कोई इस तरह की बात नहीं है।